नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का 5 मिनट करंट अफेयर। प्रतिवर्ष भारत में सिविल सेवा दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ज्यादातर लोग आप लोग जो है वो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल भारत में। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके तहत दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जिसमें पहाड़ी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य भी शामिल है। एक श्रेणी एक है और श्रेणी दो में 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, और बाकी जो श्रेणी तीन है उसमें जितने भी शेष राज्य हैं उनको शामिल किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दवा पर आयात शुल्क माफ कर दिया, तो यह है रेमडेसिविर। ये दवा जो है इस पर आयात शुल्क माफ कर दिया गया है, आयात शुल्क इस पर समाप्त कर दिया गया, और सरकार ने ये कोविड-19 रोगियों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाया है। हाल ही में गूगल डूडल में प्रकाशित होने वाली वेरा गोदराइट्स किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी, तो पहली महिला सैन्य सर्जन थी ये रूस की, और गूगल ने रूसी सर्जन प्रोफेसर कवि और लेखिका वेरा गोदराइट्स का 191वां जन्मदिवस मनाया, जन्मदिन मनाया, और उन्होंने डूडल बना के इनको श्रद्धांजलि, मतलब डूडल बना के इनको इज्जत दी और उन्हें रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन और सर्जरी की दुनिया में पहली महिला प्रोफेसर माना जाता है। 1904 में रूसी जापानी युद्ध के दौरान डॉक्टर गोदराइट्स ने एक सर्जन के रूप में अपनी सर्विसेज दी थी। इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए, तो ग्रीस के साथ अभी हस्ताक्षर किए गए हैं इसराइल और ग्रीस के बीच में, और इसमें प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संचालन के लिए भी अनुबंध किए गए हैं, और इस सौदे से दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक और आर्थिक संबंध है वो मजबूत होंगे ही। दोनों देशों की वायुसेनाओं में एक संयुक्त अभ्यास भी शुरू किया गया है। टिहरी झील जिसके किनारे पर एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है किस राज्य में है, तो टिहरी झील, टिहरी आप जानते हैं उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने टिहरी झील के किनारे एक जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया है। ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा चलाया जाएगा और इसे 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की, तो यह है लीबिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने की सहमति व्यक्त की है। लीबिया पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक संकट में जूझ रहा है। 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के बाद लीबिया 10 साल के राजनीतिक अराजकता के बाद दिसंबर से ये चुनाव की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। इटली ने हाल ही में भारत में कहां पर अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये किया है फड़ीधर में, और फड़ीधर पड़ता है गुजरात में, द मेगा फूड पार्क है ना। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी शुरू किया गया है, वर्चुअल मोड में इसको लॉन्च किया गया है, और ये गुजरात के लिए जो फड़ीधर मेगा फूड पार्क है गुजरात और के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं गुजरात के आईसीसी कार्यालय और फेगा मूड पार्क जो है फड़ीधर फेगा मेगा फूड पार्क इसके बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहा जो प्लास्टिक कचरा है उसके लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं, और वर्चुअल समारोह हुआ। आजकल तो वर्चुअल ही हो रहा है कोविड के कारण, तो भारत और जर्मनी गणराज्य के बीच में समुद्री कचरे की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ मैरिन लिटर के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से ये एक घोषणा पत्र अभी हस्ताक्षरित किया गया है, और मतलब अभी तो ये समझौता किया गया है, वर्ष 2019 में ही ये घोषणा की कर दी गई थी, फिर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक, वही न्यूज देखिए रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसी वर्ष अक्टूबर माह में लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है, तो ये लूनर 25 याद रखिएगा ये रूस का है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रॉस कॉस्मॉस, और अक्टूबर माह में इसी वर्ष 2021 में लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस आरओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज और कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करना है या कॉन्टेक्ट करना है, कॉल करके जानकारी ले लेनी है। ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये सारा करंट अफेयर आप व्यवस्थित तौर पर पढ़ भी सकते हैं। तो लूनर 25 रूस का ध्यान रखिएगा, और फिर 2023 में ये योजना बना रहा है लूनर 26 का, है ना, या 2023 या 2024 में ऐसी योजना है इसकी, लेकिन कोरोना देखिए क्या करता है अभी। तो ये रहा हमारा 21 तारीख का पूरा करंट अफेयर, आप इसको पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से, और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।